बीकॉम थर्ड ईयर 2023 अकाउंटिंग ग्रुप पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी 40 नंबर का एक नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन। खंड आ से पहला है सही उत्तर पहचान कीजिए। माल का आशय है चल संपत्ति से परंतु इसमें शामिल नहीं है, ये चुनना है आपको। सेकंड वाला है राज्य के अंदर पूर्ति पर कौन सा उद्ग्रहणी है, ए आए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद है कर बीजक का निर्गमन सेवा पूर्ति की तिथि से होना चाहिए। दिल्ली में बेंगलुरु उड़ान वाला हैदराबाद के समय हवाई जहाज में भोजन को दिल्ली में उपलब्ध कराने की पूर्ति के स्थान, ये भी सही विकल्प। सीमा शुल्क अधिनियम कब लागू हुआ। उसके बाद 2 नंबर के 5 क्वेश्चन दोहरा GST क्यों आवश्यक था, IGST क्या है। सेवाओं की पूर्ति का समय कैसे निर्धारित होता है, पूर्ति का बिल क्या है, प्राप्ति वाउचर क्या है, IGST अभिव्यक्ति का आशय एवं क्षेत्र समझाइए। इसके बाद अथवा में है GST वसूली एवं संग्रहण संबंधित के प्रावधान है, सीमा शुल्क के अंतर्गत मूल्यांकन नियमों को समझाइए। आयातित माल के स्वव्यवहार मूल्य से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 5 नंबर 5 क्वेश्चन खंड सा GST के क्रियान्वयन के लिए कौन से संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हुई, GST की अवधारणा के साथ उसकी संरचना में प्रकार को समझाइए, ये अथवा में है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल हार्डवा कल्पना इंजीनियरिंग लिमिटेड भोपाल द्वारा एक मशीन की पूर्ति का अनुबंध किया गया है, मशीन की पूर्ति का मूल्य 650,000 निर्धारित किया गया जिसमें निम्नांकित व्यय शामिल है, ये व्यय हैं स्थापना व्यय परीक्षण व्यय और भी। उसके अथवे में है GST विधान के अधीन पंजीकरण से के क्या लाभ हैं, GST में पंजीकरण कितने प्रकार के होते हैं विस्तृत रूप में समझाइए। कर बीजक क्या है, उसकी विषय वस्तु समय एवं निर्गमन की पद्धति समझाइए। कर की वसूली की क्या रीतियां हैं विस्तार में समझाइए। IGST अभिव्यक्ति का आशय एवं क्षेत्र इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं के साथ समझाइए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन एक भारतीय व्यापारी ने अमेरिका से 30 मशीनें $200 प्रति मशीन की दर से आयात की, इसमें निम्न व्यय शामिल है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है अथवा में सीमा शुल्क के अंतर्गत मूल्यांकन नियमों को समझाइए, ये भी 5 नंबर का है 40 नंबर का पेपर रेगुलर वालों के लिए।